हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सोमो चैटर्जी और आप देख रहे हैं नेचर मोटो यूट्यूब चैनल। और स्वागत है आपका मेरे एक और ऐसे पहाड़ों के राइड के ब्लॉग्स में। मेरे को भी नहीं पता मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, इसलिए ब्लॉग में स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ कहाँ पे जाऊँ। तो फिलहाल मैं अभी हूँ सरचू में। तो सरचू में मैंने ले लिया है कैंप साइट पर टेंट एक रुकने के लिए, क्योंकि कैंपिंग वगैरह करके थोड़ा सा थका हुआ हूँ तो टेंट पर रुकना बेटर समझा। तो अभी सरचू में मस्त ठंडा हवा चल रहा है और यहाँ शाम के वक्त घूमने के लिए आए हैं सरचू का क्लिफ साइट। ये है अबीब। अभी मुझे मिले दारचा में एंड यू आर ट्रैवलिंग विद योर फ्रेंड और लीनो इज ट्रैवलिंग विद गिल। अभी इज ट्रैवलिंग सोलो, ट्रैवलिंग विद मी। तो हम लोग अभी यहाँ पे इस मस्त खूबसूरत सा रिवर साइड लोकेशन पे, रिवर साइड नहीं बोलूँगा क्लिफ साइड लोकेशन पे बैठ के कॉफ़ी वगैरह बनाएंगे और सरचू में शाम एंजॉय करेंगे। देखो पूरा साथ एकदम पूरा सेटअप लेके चल रहे, एकदम कैंपिंग गैस, कैंपिंग स्टोव, विंड प्रोटेक्टर, अरे केटल भी है इनके पास यार, सब कुछ है। ट्रैवलिंग विद एवरीथिंग। अभी टेंट देखो कैसे हिल रहा है, इतना खतरनाक हवा से यार। देखो भाई गजब। तो भाई शाम को हम लोग पूरा मस्ती से क्लिफ साइड पे जाके कॉफ़ी भी बना के पीने का प्लान किए थे। कॉफ़ी तो बनने में दिमाग ख़राब हो गया, गैस चलाने में दिमाग ख़राब हो गया, धूल उड़ रहा था पूरा और इतना तेज हवा चल रहा था ना भाई, वहाँ पर आ नहीं गया। तो हम लोग आ गए टेंट के अंदर, अभी फ्रेश फ्रेश होके फुल पैकिंग होके बैठे हैं। गजब ठंडा लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे अभी अकेले टेंट लगा रहा होता ना तो हालत ख़राब हो जाता, मेरे को ये मिस हो जाएगा पक्का। इसलिए आज टेंट नहीं लगाया मैंने। चलो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरचू। कल रात को मैं लास्ट दिखाया था कि भयानक हवा चल रहा है, टेंट पूरा फटफड़ा रहा है। उसके बाद हम लोग डिनर विनर करके जैसे तैसे तो सो गए और अभी सुबह को उठे 5:30 बजे सुबह को, तैयार होते हैं निकलते हैं टूवर्ड्स ले। मौसम कल पूरा क्लियर था, आज थोड़ा बादल बादल हो रखा है बारालाचा की तरफ, तो पता नहीं लाचुंगला नाकिला में भी शायद थोड़ा बहुत बादल वगैरह मिल सकता है। तो पूरा अनप्रडिक्टेबल होता है पहाड़ का मौसम, जैसे उस तरफ पूरा मतलब अभी काले बादल है वहाँ पर, मतलब पक्का बारालाचा में थोड़ा बहुत स्नोफॉल वगैरह हो रहा होगा। तो यही अभी सरचू से शुरू करते अपना जर्नी टूवर्ड्स ले, थोड़ा ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। और भयानक ठंड है, भयानक हवा है एंड लिटरली इट इज़ लाइक लिविंग इन हेल। मतलब एकदम अनप्रिपेयर्ड आओगे तो बहुत दिक्कत होगा सरचू में। ऑल सेट टू लीव फ्रॉम सरचू। चलो ऑल सेट टू लीव फ्रॉम सरचू, बस आगे बढ़ना है अभी टू वच पांग। उसके पहले आएगा नाकिला लाचुंगला, फिर पांग के बाद आएगा तांगलांगला पास। रोड तो मस्त हो गया यार, कितना पतला रोड्स हुआ करता था, कितना वाइड रोड्स हो गया। वेदर भी मस्त हो रखा है, लेकिन ये क्लाउडी क्लाउडी है करके ठंडा थोड़ा ज़्यादा है। अगर धूप निकल आता अभी तक तो बढ़िया मौसम रहता, लेकिन हवा खतरनाक चला भाई सरचू में, दिमाग ख़राब हो गया पूरा ठंड में। हिमाचल प्रदेश एंड वेलकम। बहुत आवाज होता है। वेलकम टू द माउंटेन्स ऑफ लद्दाख। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर सरचू से लेके ये जो रास्ता था, ये स्ट्रेच था, ये कितना घटिया कंडीशन पे था। हम लोग को वैसे धूल धूल से जाना पड़ता था अंदर अंदर से,
वो पूरा डस्ट होता था, अब पूरा बन गया रोड, एकदम मक्खन रोड बना हुआ है। घाटा लूप स्टार्ट्स। अब इसके बाद पूरा चढ़ाई 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 ऊपर तक एकदम। यहाँ पे सब पानी का बोतल चढ़ा के जाते पूरा, कितना कैसा हो गया उतर के। हम लोग अभी लाचुंगला पास चढ़ रहे हैं, और जैसे कि मैंने सर्चू में कहा था आज शायद मौसम थोड़ा बिगड़ सकता है क्योंकि बादल वगैरह दिख रहे थे, तो यहाँ लाचुंगला ऑलमोस्ट चढ़ चुका है, ऊपर में दिख रहा पूरा काला बादल। तो ऐसा अगर काला बादल जमता रहा तो कभी ना कभी बारिश और उसके साथ थोड़ा बहुत स्नोफॉल हो भी सकता है, ये टेंशन वाला चीज़ है। क्योंकि मेरा रेन लाइनर्स अंदर रखा हुआ है, अगर बाहर रहता तो फिर भी लेके पहन लेता, बट अब कुछ नहीं कर सकते, अगर बारिश हुआ तो भीगना पड़ेगा। लेकिन रोड्स पहले जैसे अब पतले नहीं रहे, रोड्स पूरा वाइड हो चुका है सब जगह का, और मतलब इस तरह से रोल किया हुआ है जैसा कि तो कुछ दिन में रास्ता बनने वाला है, ये सब पूरा टार रोड्स हो जाएगा। कि पहुंच गए लाचुंगला टॉप 16,616। लेट्स गो, लेट्स नॉट स्टॉप, यू वांट टू स्टॉप? कोई मोर एयरप्लेन्स पार कर रहे हैं हम लोग अभी, और जैसा कि मैं सोच रहा था कि मौसम ख़राब हो सकता है, बादल हो रहे थे और वहाँ दूर में बारिश हो रहा है दिख रहा है, मतलब पूरा बादल से ऐसे गिर रहा है, लाइंस लाइंस मेरे को आँख में दिख रहा है, कैमरा में पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, बट भीग जाएंगे लग रहा है। मैं पहले पहुंचा। तो पहुंच गए तांगलांगला पास, यहाँ पे पहले लिखा रहता था सेकंड हाईएस्ट पास, यहाँ पे पीछे में दिखेगा तो यहाँ पे ग्रुप किया हुआ है, अभी वो चीज़ लिख दे 12th हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड। मस्त है व्यू, व्यूज यहाँ से खतरनाक व्यूज है। लास्ट टाइम तांगलांगला पहुँच के पार करते करते मेरा रिजर्व लग गया था, मतलब ट्रिप पे पार करके भी रिजर्व लग गया था, तो आज अभी देख रहा हूँ हाफ टैंक से थोड़ा सा नीचे हुए, तो लास्ट टाइम से बहुत ही अच्छा माइलेज मिल रहा है मेरे को। देखते हैं कि बिना एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी किए आंडी से लेके ले पहुँच पाते हैं कि नहीं। वहाँ पे उन पहाड़ों के ऊपर आइधर स्नोफॉल हो रहा है और बारिश हो रहा है क्योंकि पूरा बादल से ढका हुआ है, और कितना मतलब हेवेनली लग रहा है वो जगह देखो आप। इस मनाली ले रूट में ना जब आप पांग पार करके वो मोर एयरप्लेन सेंटर करते हो तब लगता है कि एक अलग दुनिया है, फिर जब मोर एयरप्लेन से पार करके तांगलांगला ख़त्म करते हो फिर इस साइड आ जाते हो तो उसके बाद तो एक और अलग दुनिया शुरू हो जाता है। भगवान ने कितना खूबसूरत बनाया है अपने दुनिया को, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये सारा जगह सब इंडिया में है ताकि हम लोग आराम से घूम पाते ये सब जगह। तांडी से चल के लगभग 309 किलोमीटर चल चुका है। तांडी से तेल जब भराया था उसके बाद मैं लगातार चला रहा हूँ, और सर्चू में रुका था फिर उसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं डाला मैं। 300 किलोमीटर चलने के बाद ट्रिप एप लगा और टोटल 309 किलोमीटर चल चुका है, और अभी भी मेरे गाड़ी में जितना तेल है वो मिनिमम 100 किलोमीटर जाने जाएगा। तो मेरा बाइक बिना एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी किए तांडी से ले पहुंच जाएगा आराम से,
लास्ट ईयर पता नहीं क्या हुआ था मेरे गाड़ी को, इतना ज़्यादा तेल क्यों पी रहा था, बट इस बार बहुत मस्त माइलेज दिया है, खतरनाक माइलेज दिया गाड़ी। यहाँ से उपशी और लगभग 3 या 4 किलोमीटर बाकी है, तो उपशी में रुक के थोड़ा चाय वाय पियेंगे। मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ लेह, और लेह पहुंचने के बाद एक छोटा मोटा ट्रेकिंग भी कर लिया हॉस्टल से सीमो गोम्पा तक, बहुत मेहनत हो गया। तो अभी मस्त पीछे लेह का व्यू, नाइट व्यू पूरा लेह का। तो यही ब्लॉग, तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग माय जर्नी फ्रॉम सरचू टू लेह। सरचू में तो अच्छे से कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि इतना ज़्यादा हवा चल रहा था और भयानक ठंड भी था। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी मुझे लेह में थोड़ा काम है, ये सब निपटाने के बाद फिर एक नया जर्नी शुरू होगा लेह से, वो आपको थोड़ा बाद में देखने को मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल में। दैट्स इट, थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ द डे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग नेचर मोटो।